Hello and welcome to London. Hello, namaste. Namaste. So how are you finding? कैसा लग रहा है लंदन में आके? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत excited हूँ मैं perform करने के लिए और आपसे मिली ये सबसे अच्छी बात है. We are excited. हम लोग बहुत excited हैं आपका performance देखने के लिए क्योंकि हम लोगों ने आपको तो TV पे ही देखा है. Thank Indian you. Idol में देखा है. अभी तो आप यहाँ हो. जी. You know, live. तो yes. बहुत मजा आएगा सुन के. जी. अब आपको कैसा लगा इंडियन आइडल में जाके? क्या एक्सपीरियंस था आपका? इंडियन आइडल में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मैंने वहाँ पे सीखा कि कैसे गाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कैमरा को फेस करते हैं, लाइव गाना कैसा होता है, सब कुछ मैंने इंडियन आइडल से सीखा. जो भी सीखा उसी से आज रकन म्यूजिक के थ्रू हम लंदन आए हैं और परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं. और थैंक यू सो मच रकन म्यूजिक, स्पेशली विजय सर के टीम में जो भी है, रकन म्यूजिक के होल टीम को थैंक यू सो मच. और बहुत ही अच्छा लग रहा है इंडियन आइडल से जो भी सीखा, और भी बहुत सीखना बाकी है. स्ट्रगल तो अब शुरू है ना. या और कोलैबोरेशन कुछ आ रहा है आपका नया इंडियन आइडल से निकल के, कुछ हुआ? हाँ, इंडियन आइडल से ही अभी हम आए हैं, जो भी कंटेस्टेंट यहाँ पे आए हैं. yeah. तो आगे जाके भी बहुत सारे कोलैबोरेशन होने वाला है और म्यूजिक भी आ रहा है, गाना भी रिलीज होने वाला है. रिलीज हो भी रहा है और होगा. स्ट्रगल तो अभी शुरू हुई है. Absolutely. Let's see, देखते हैं क्या क्या होगा. Fingers crossed, अच्छा ही होगा जो होगा. इंडियन आइडल से बाहर निकल के अब अच्छा ही होगा सब. बिल्कुल. हाँ, और आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था इन टर्म्स ऑफ लाइक लाइफ टाइम अब तक? मेरा कौन सा ऑल सॉन्ग्स, कौन सा ईरा? ईरा तो होगा ना आपका फेवरेट. सभी बहुत, मेरा सब फेवरेट ही है. फिर भी मैंने बहुत गाना गाया वहाँ पे, लेकिन सभी फेवरेट ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं एक चूज कर लूँ. अगर आपको बाथरूम सिंगर हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसे बाथरूम सिंगर, आप सिंगिंग तो करते होगे बाथरूम में भी, पर अच्छा है ना बाथरूम में तो और ज्यादा गाना, एक तो गाना होना होगा ना वो. हाँ. हमेशा ऐसा याद आता है कि बाथरूम में तो ऐसा होता है. रिसेंटली मैं क्या कर रही हूँ उसमें डिपेंड करता है. जैसे कि अगर मैं बाथरूम में गई, घुस गई, तो भी कल मैं क्या गा रही हूँ वही गाना याद आएगा, ऐसा होता है. सब जहाँ देखो वहाँ रिहर्सल से होते हैं आपके. बिल्कुल ऐसा ही है. किचन में रिहर्सल, बाथरूम में रिहर्सल, हर जगह होता है. आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था इंडियन आइडल में? मेरा तो हर मोमेंट एकदम ही फेवरेट था, क्योंकि जो भी मैं कर रही थी, पहली बार कर रही थी, और जो भी मैं करने जा रही थी बहुत सारे चैलेंजिंग भी था. और कोई भी फेवरेट, जैसे ऑडिशन से लेकर लास्ट मोमेंट तक सभी फेवरेट ही है मेरा. अमेजिंग. और आपका फेवरेट एक्टर आया था? हाँ, रणवीर सर. अरे क्या बात है, दैट्स द बेस्ट ना. बेस्ट पार्ट वही है ना. yes. कि आपका फेवरेट एक्टर आपको मिला. बिल्कुल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी एक सुंदर सा गाना अपनी आवाज में लंदन वाले को सुना दीजिए. तुम्हें देखती तो लगता है से कि जैसे यूं से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है से कि जैसे यूं से तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें देखती हूँ. क्या बात है, well done. Thank you so much. Thank you. Any message for the London people? Thank you so much. सबको, सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है इंडियन आइडल से अभी तक. ये लाइफ पर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही रहिएगा. और थैंक यू सो मच. और हमारे शो देखने के लिए आ जाइएगा सब लोग. मैं इनवाइट कर रही हूँ यहीं से. एब्सोल्युटली, फुल हाउस है, सब लोग आ जाएंगे. खड़े होके भी देखना चाहिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फुल होगा, देखना. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड गुड लक विद द इवेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.